हे गाइस, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो को टाइटल एंड थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं चारकोल पाउडर। अब चारकोल पाउडर आपको मार्केट में कई सारे अवेलेबल है जो आप खरीद सकते हो मार्केट से इजिली, बट इट कॉस्ट अराउंड 800-900-700 रुपीज। तो मेरे को चारकोल पाउडर में इन्वेस्ट करना उतना सही नहीं लगता, बिकॉज जब मैं उसे घर में अंडर 20-30 रुपीज बना सकता हूँ, देन आई डोंट थिंक अ रीजन टू इन्वेस्ट इन दैट। नाउ लेट मी टेल यू दैट क्यों आपको चारकोल पाउडर एक जरूरी मटेरियल है आपके लिए अगर आप एक स्केच आर्टिस्ट हो तो। अब कई सारे हमारे स्केच में ड्राइंग होते हैं, जब हम ग्रेफाइट से ड्राइंग करते हैं या फिर चारकोल से वर्क करते हैं, तो ऐसे हमारे ड्राइंग में कई सारे पार्ट होते हैं जहां पर हमें इतना ज्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए होता है, हमें उस जगह पे पेंसिल का स्ट्रोक्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। जैसे कि अगर हम एक पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो हम बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब हम स्किन का जब टेक्सचर बना रहे हैं तो उस समय हमें एकदम स्मूथ टेक्सचर चाहिए होता है जो पेंसिल एंड पेपर स्टैम्प का यूज करके नहीं आ पाता है। या फिर कभी कभी हमें जब बैकग्राउंड करना पड़ता है तो बैकग्राउंड में हमें एकदम एक ब्लर बैकग्राउंड से चाहिए होता है जो हम एक नॉर्मल पेंसिल से या पेपर स्टैम्प वगैरह का यूज करके कई बार नहीं ला पाते हैं। तो उस जगह पे हम चारकोल पाउडर का यूज करते हैं एंड उसे यूज करके वी कैन डू दिस टास्क वेरी इजिली। चारकोल पाउडर्स के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे कि अगर आपको लार्ज अमाउंट में अगर एक नॉर्मल प्लेन सरफेस पे अगर आपको शेड करना है, अगर आपको डार्क शेड बनाना है, आपको लाइट शेड बनाना है एक लार्ज सरफेस एरिया पे, जैसे कि हमारा बैकग्राउंड हो गया, आपको अगर एक ब्लैक बैकग्राउंड देना, तो इन दैट केस चारकोल पाउडर इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक आर्टिस्ट और स्केच आर्टिस्ट जो चारकोल एंड ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करके ड्रॉइंग बनाते हो, अकॉर्डिंग टू मी आपके पास चारकोल पाउडर 100% होना चाहिए, बिकॉज हर जगह पे आप चारकोल पेंसिल्स एंड ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज करके उतना ज्यादा क्लियर बैकग्राउंड, उतना ज्यादा क्लियर ब्लेंडिंग आप नहीं कर सकते। तो उस जगह पे आपको चारकोल पाउडर इज नीडेड। तो 100 बात की 1 बात, आपको चारकोल पाउडर का जरूरत है अगर आप एक स्केच आर्टिस्ट हो तो। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आई एम गोइंग टू टेल यू दैट मेथड विच आई यूज टू मेक माई चारकोल पाउडर्स। अब और कई सारे आर्टिस्ट हैं जो और कई तरह का मेथड यूज करते होंगे चारकोल पाउडर प्रिपेयर करने के लिए, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस मेथड अ वेरी लो बजट मेथड एंड ऑल्सो वी कैन से अ वेरी एफर्टलेस मेथड, ऐसे चुटकी में हम चारकोल पाउडर क्रिएट कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं ये मेथड यूज करता हूँ। तो और जो मेथड होते हैं, जैसे मैंने ट्राई कर रखा है और भी मेथड सब, जैसे हम जो चारकोल स्टिक आता है, जो चारकोल कंप्रेस स्टिक आता है, उसे हम ब्रेक डाउन करके उसे एक कोई भी कंटेनर में लेके हम उसे क्रश कर सकते हैं एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में। जब वो एकदम क्रश हो जाता है तब हम उसे ब्रश में लगा के उसके अंदर चारकोल पाउडर यूज कर सकते हैं। बट उस जगह पे मुझे क्या प्रॉब्लम कई बार फेस हुई है कि हम उसे कितना भी अच्छा से क्रश कर ले, अब मैं अपना आप लोगों को सीन बता रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से करते होंगे, बट मैं उस पर बहुत ज्यादा एफर्ट ला के जब उसे क्रश करता हूँ एंड अगर उसमें कोई भी छोटा सा पार्टिकल अगर रह गया जो अच्छी तरह से क्रश नहीं हुआ है, और जब हम उसे चारकोल पाउडर को यूज कर रहे हैं एंड वो चीज हमारे ब्रश के ऊपर आता है, तो वो हमारे ड्राइंग को इफेक्ट कर सकता है। हमें एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग जो चाहिए होता है, जो हमारा मेन मोटो होता है चारकोल पाउडर का, वो हम उससे अचीव नहीं कर पाते हैं कई बार। इसीलिए जो मैं मेथड यूज करता हूँ, आई थिंक दैट द मोस्ट सुटेबल एंड द मोस्ट यूजफुल मेथड, मोस्ट इजिएस्ट मेथड, तो वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए Let's start the video. So guys, चारकोल बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके रूम में फैन है तो मेक श्योर कि आप अपने फैन को स्विच ऑफ कर दो, बिकॉज जो चारकोल पाउडर होता है बहुत ज्यादा वो फैलने का चांसेस रहता है। तो यू मेक श्योर कि यू स्विच ऑफ योर फैन एंड कोई भी एयर का मूवमेंट ना हो आपके रूम में, बोल सकते हो। सो अब हमें जो चीज चाहिए चारकोल पाउडर बनाने के लिए वो सिंपल है, ये एक चारकोल स्टिक। अब ये है कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक, सो इसका जो क्वालिटी होता है ये बहुत ज्यादा डार्क होता है। नाउ दिस कॉस्ट यू ₹20 अ सिंगल पीस, एंड अगर आप बॉक्स में से परचेज करने जाओ तो दिस विल कॉस्ट यू ₹200 बॉक्स। अगर आप इसे 10 पीसेस का बॉक्स खरीदते हो तो आपको दोनों में इसका प्राइस सेम पड़ता है। सो आपको ये एक चाहिए, दिस इज अ कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक, एंड देन यू नीड अ सैंड पेपर। अब ये सैंड पेपर आपको इजिली कोई भी हार्डवेयर के शॉप में मिल जाएगा। ये सैंड पेपर को तो मैंने कट करके रखा है, बट अगर आप एक फुल सैंड पेपर का साइज लो जो A4 साइज के अराउंड आता है, तो वो आपको कॉस्ट करता है ₹5 के अराउंड। सो आप समझ सकते हो कि आपको ₹20 एंड बोल सकते हो ये ₹2 का होगा, तो आपको जस्ट अराउंड ₹20 में आप अपना चारकोल पाउडर बना सकते हो। सो अब आपको सिंपली करना क्या है कि आपका जो ये चारकोल स्टिक है, आपको इसे नॉर्मली
आपको अपने सैंड पेपर के ऊपर इसे रब करना है। सो रब करने से जो इसका स्टिक होता है वो आपका उसका जो पाउडर निकलता है सो वो काइंड ऑफ एक चारकोल पाउडर में बाहर आता है। सो इसे हमें अच्छी तरह से रब करना है। सो ये टेक्निक करने से आपको एक चीज का और फायदा होता है कि जो हमारा जो चारकोल पाउडर होता है वो बहुत एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में बनता है। सो जब हम उसे जब अपने पेपर के ऊपर जब उससे ब्लेंडिंग करते हैं या फिर जब चारकोल पाउडर यूज करके बैकग्राउंड वगैरह बनाते हैं सो हमें उससे काफी ज्यादा स्मूथ इफेक्ट आता है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो मैं यूज करता हूँ। तो ये हमने इसे थोड़ा सा रब किया है, अब जस्ट एज अ एग्जांपल मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद हमें एक कंटेनर लेना है जिसमें कि हम अपना चारकोल पाउडर को डालना चाहते हैं। तो आप बस इतना बड़ा कंटेनर ले लो जिसमें कि आप अपने ब्रश को आराम से पुट करके आप अपने चारकोल पाउडर को इजीली यूज कर पाओ। आपको सिंपली करना क्या है कि अब आपको इसको ऐसे करके तो बस आपके सामने ही मैंने बस इसे अभी ऑलमोस्ट एक मिनट रब किया होगा एंड मुझे इतना सारा चारकोल पाउडर मिल गया। तो आप इसे पूरा रब करके काफी ज्यादा चारकोल का पाउडर आप क्रिएट कर सकते हो खुद अपने घर पे। अब हम लोग थोड़ा सा इसको ट्राई करके देख लेते हैं कि ये चारकोल पाउडर वर्क कैसा करता है। इसको ट्राई करने से पहले हम पहले चारकोल पेंसिल से एक बार ब्लेंडिंग करके देखते हैं, देन हम चारकोल पाउडर को यूज करके देखेंगे। तो हम एक छोटा सा कंपेरिजन भी करके देख लेंगे कि मतलब एक नॉर्मल चारकोल पेंसिल एंड देन चारकोल पाउडर से जब हम एक शेडिंग करते हैं सो दोनों में फर्क क्या आता है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा साइड रखते हैं, एक हम पेपर लेते हैं। ये मेरा चारकोल पेंसिल है, दिस इज अ कैमलिन चारकोल पेंसिल। ये चारकोल पेंसिल 15 रुपीज में आपको पर पीस मिलता है मार्केट में। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो जस्ट फॉर अ क्लियर रिजल्ट मैं यहाँ पर दो मेकअप ब्रशेस लेने वाला हूँ। पहले से मैं ये ब्लेंड करके देखने वाला हूँ एंड देन दूसरे ब्रश से मैं जो हमारा चारकोल पाउडर है उसको ब्लेंड करके देखूंगा। सो हमारा दोनों ब्रश बिल्कुल क्लीन है सो हमें एकदम एक क्लियर रिजल्ट मिल जाएगा कि दोनों को जब हम यूज करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले इसे ट्राई करके देखते हैं। अब ये जो हमने चारकोल यहाँ पर पुट किया था ये चारकोल पेंसिल का यूज करके पुट किया था। तो आफ्टर ब्लेंडिंग दैट विद अ सॉफ्ट मेकअप ब्रश तो हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पेंसिल का एकदम कह सकते हो 10-20% हमें पेंसिल का जो पैचेस होता है पेंसिल का जो स्ट्रोक्स होते हैं वो दिख रहे हैं। तो अब हम अपने चारकोल पाउडर से एक बार ट्राई करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। सो ये हमारा चारकोल पाउडर है एंड दिस इज अ फ्रेश ब्रश तो हम इसे थोड़ा सा लेते हैं। सो अब आप लोग देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट इसे 1 मिनट एंड 1.5 मिनट मैंने इसे ब्रश से रब किया होगा एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने 30-40 सेकेंड जस्ट हाफ द टाइम मैंने रब किया है एंड आप लोग रिजल्ट देख सकते हो। इस पे मेरे को कहीं पर भी कोई भी स्ट्रोक्स नहीं दिख रहा है, एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग हुआ है एंड इसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रोक्स देखने को मिला है। सो यू ऑल गॉट अ कंप्लीट रिजल्ट कि जब हम पेंसिल से चारकोल को यूज करते हैं एंड देन हम चारकोल पाउडर्स को यूज करते हैं सो हमें कितना ज्यादा बेनिफिट एंड दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सो गाइस आप लोगों ने रिजल्ट देखा कि चारकोल पाउडर यूज करके हम कितना स्मूथ ब्लेंडिंग रिजल्ट हम ला सकते हैं जस्ट यूजिंग अ सिंपल स्टेप एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर चारकोल पाउडर इन अ वेरी मिनिमल कॉस्ट इन आवर होम इटसेल्फ। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो अ हेल्पफुल वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर ऐसे किसी और टॉपिक में कुछ डाउट हो या फिर कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग जाके कमेंट कर सकते हो। सो गाइज आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखता है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर मेकिंग अ पार्ट ऑफ योर डे। अगली ऐसी वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।